गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे अवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर एंड द टॉपिक इज चैप्टर 20 वर्ब्स टू बी। हमने वर्ब्स तो पढ़ चुके हैं ना, लास्ट चैप्टर में हमने वर्ब्स पढ़ा था। वर्ब्स मीन्स होता है क्रिया, तो इसमें वर्ब्स टू बी का यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अबाउट समथिंग और सम पर्सन टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड और एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर वर्ब्स टू बी। वर्ब्स टू बी का यूज़ वहाँ होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमको पता होता है कि हाँ यही पर्सन है। जैसे हम राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, राम मंदिर गया। कौन सा राम मंदिर गया वो नहीं पता, लेकिन हमारा फ्रेंड है राम वर्मा, ठीक है, तो हम बोलेंगे राम वर्मा जो हमारा फ्रेंड है वो मंदिर गया, तो हमको पता है कि पर्टिकुलर पर्सन वही है, ठीक है। और हम जैसे बोलेंगे कि हाँ हम लक्ष्मी मंदिर गए, कौन सा लक्ष्मी मंदिर गए नहीं पता, जो हमारे पास में है जैसे स्ट्रीट 2 में है, तो स्ट्रीट 2 के लक्ष्मी मंदिर गए, ठीक है, तो पार्टिकुलर प्लेस हुआ, तो वहाँ पे हम टू बी का यूज़ करेंगे। ओके, सो यूज़ ऑफ वर्ब्स टू बी। द वर्ड्स इज आर एंड एम आर यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, दे शो व्हाट अ स्टेट ऑफ समथिंग और समवन इन द प्रेजेंट। पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम कर रहे हैं। जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो अभी आप लोग के साथ जो प्रेजेंट में हो रहा है उसमें हम इज आर एम का यूज़ करते हैं। सो लर्न दैट फर्स्ट इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउंस एंड प्रोनाउंस बट नॉट विथ यू एंड आई। इसका यूज़ कहाँ होता है, सिंगुलर और सिंगुलर नाउन में होता है, ठीक है। सिंगुलर मतलब जब एक ही चीज़ होती है, तो फॉर एग्जाम्पल ही शी इट रजत रश्मि जॉन टॉम चेयर पेन एट्सेट्रा, इन सब में इसका यूज़ होगा, ठीक है। ही इज़ शी इज़ इट इज़ बोलते हैं ना, आई इज़ कभी नहीं होता है, ठीक है, या यू इज नहीं होता है, सो यू और आई में नहीं लगाना है इस। सेकेंड इज आर, आर इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउंस एंड प्रोनाउंस, फॉर एग्जाम्पल दे वी यू चेयर्स एंड पेंस एट्सेट्रा। आर का यूज़ कहाँ करते हैं, प्लूरल में, जब एक से ज़्यादा हो कोई सामान, ठीक है, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है, तो जैसे दे आर वी आर यू आर ऐसे बोलते हैं ना। सो रिमेंबर दैट आर इज यूज्ड विथ यू बट इन सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर में भी होता है प्लूरल में भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड इज एम, एम इज यूज्ड विथ आई, आई के साथ। एम का यूज़ कब होता है, आई के साथ, जैसे व्हाट इज योर नेम बोलते हैं, तो आप लोग बोलते हो ना माय नेम इज जो भी है, फिर आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट्स बोलते हो ना, तो आई के साथ एम लगता है। रीड द यूजेस ऑफ वर्ब्स टू बी इज आर एम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लुक एट द पिक्चर, यू आर अ बॉय, ये गर्ल्स बोल रही है ना, यू आर अ बॉय। यू आर सिस्टर्स, ये बॉय बोल रहा है आप दोनों बहनें हैं, यू आर सिस्टर्स। वी आर फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, वी आर फ्रेंड्स। आई एम अ टीचर, टीचर बोल रही है, आई एम अ टीचर। ही इज अ डॉक्टर, हम दूसरे को इंडिकेट करें वह एक डॉक्टर है। दिस इज अ टेबल, हम किसी थिंग को बता रहे हैं कि यह एक टेबल है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को ये प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया ना। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ वॉज एंड वेयर। वॉज एंड वर का यूज कहाँ होता है, द वर्ड्स वॉज एंड वर आर यूज्ड इन द पास्ट टेंस। मैंने बताया था ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं, तो पास्ट टेंस का यूज कहाँ होता है, दे शो व्हाट अ स्टेट ऑफ समथिंग और समवन इन द पास्ट वॉज। पास्ट टेंस का यूज तब होता है जब हमारे साथ कुछ चीजें हो चुकी हो, जैसे हमने कल कुछ खाया था, कल मैंने आलू खाया था, कल मैंने आलू पराठा खाया था, तो खाया था मैंने कल, मैं खा चुकी हूँ, ठीक है, तब हम पास्ट टेंस बोलते हैं उसको, जो हमारे साथ बीत चुका है, ठीक है। कल जैसे हम मूवी देखने गए, ठीक है, हम कल मूवी देखने गए थे, ठीक है। सो लर्न दैट फर्स्ट, वॉज इज यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर बट नॉट विथ यू। वॉज का यूज़ कब होता है, जब कोई थिंग सिंगुलर होती है तो, ठीक है, बट यू के साथ नहीं होता है। सेकेंड इज वर, वर इज यूज्ड विथ प्लूरल नंबर एंड सिंगुलर यू।
वर का यूज प्लूरल के साथ भी होता है, सिंगुलर के साथ भी होता है, ठीक है। रीड द यूजेस ऑफ वॉज एंड वर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप लोग ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोग को। प्रिया वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। प्रिया क्या कर रही है? पानी पी रही है, ठीक है। विपिन वॉज प्लेइंग फुटबॉल। विपिन क्या कर रहा है, क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। राहुल वॉज प्रेइंग टू गॉड। राहुल भगवान की पूजा कर रहा था। चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क। बच्चे क्या कर रहे थे? अपना होमवर्क कर रहे थे। स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे थे। चिल्ड्रन वर ईटिंग देयर लंच। बच्चे क्या कर रहे थे? लंच कर रहे थे। सो पास्ट टेंस में वॉज वर का यूज करते हैं जब वो हमारे साथ बीत चुका है, और प्रेजेंट में आई एम, इज एम, आर का यूज करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है। यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। विल बी और शैल बी का यूज कब होता है? जब हमारे साथ हम करने वाले हैं या जो हमारे साथ होने वाला है, मतलब फ्यूचर के बारे में बताता है। जैसे मैं कल स्कूल जाने वाली हूँ, ठीक है, मैं कल जाने वाली हूँ, गई नहीं हूँ कि नहीं जा रही हूँ, मैं कल जाने वाली हूँ, तो कल के बारे में बताता है जो हमारे साथ होने वाला है। द वर्ड्स विल बी एंड शैल बी आर यूज इन द फ्यूचर टेंस। दे शो वॉट अ स्टेट ऑफ समथिंग और समवन इन द फ्यूचर विल बी, ठीक है। सो लर्न दैट शैल बी यूज विथ आई एंड वी ओनली। शैल बी का यूज कब होता है? ओनली आई एंड वी के साथ होता है। विल बी इज यूज फॉर ऑल द अदर नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। विल बी का यूज जितने भी नाउन्स हैं प्रोनाउन्स हैं सब में विल बी का यूज होता है, बट शैल का बी का यूज ओनली आई एंड वी के साथ होता है, ठीक है। रीड द यूजेस ऑफ शैल बी एंड विल बी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे क्या करने वाले हैं? फुटबॉल खेलेंगे। आई शैल बी ईटिंग माई लंच। मैं लंच करने वाला हूँ। वी शैल बी लर्निंग अवर लेसन्स। हम अपने चैप्टर को लर्न करने वाले हैं, हम अपने लेसन को। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स।